सुदेश अंकल को कैसे क्या हो गया और आप कैसे बच गए? बल्लू काका अपने माथे पर हाथ मारते हुए रोते हुए कहते हैं, काश मैं उस रात बचा ना होता। उन मुर्दों ने उस रात सुदेश साहब की जगह मुझे मार दिया होता तो अच्छा होता अभिमन्यु बिटुआ। अभिमन्यु झट से बोल पड़ता है, नहीं नहीं बल्लू काका, ऐसा मत बोलिए। जान आपकी हो या किसी जीव की, सबकी जान अहमियत रखती है। मैं तो बस जानना चाहता था उस रात हुआ क्या था। बल्लू काका अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, उस रात वो हुआ था अभिमन्यु बिटुआ जो नहीं होना चाहिए था। बल्लू काका वो हादसा सबको बताते हुए कहते हैं, उस रात मैं और सुदेश साहब बाइक से आपकी जिप्सी के पीछे पीछे आ रहे थे, पर जब सुदेश साहब ने देखा कि आपकी जिप्सी को मुर्दों की सेना ने आगे से घेर लिया है तो सुदेश साहब बहुत डर गए थे और फिर उन्होंने दाईं तरफ जो सड़क जा रही थी उसी तरफ अपनी बाइक मोड़ ली थी। मैंने सुदेश साहब से बोला भी था कि हमें आपकी जिप्सी के पीछे ही रहना चाहिए था, फिर चाहे आगे मुर्दों की सेना खड़ी हो या फिर कुछ और हो, पर सुदेश साहब नहीं माने। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने वही किया जो उनके मन को सही लगा। बल्लू काका एक लंबी आह भरते हुए कहते हैं, कहते हैं कि जब मौत आपके पीछे लगी हो तो चाहे आप उससे कितना भी भाग लो वो आपको पकड़ कर रहती ही है, और उस रात शायद हमारे पीछे भी मौत ही भाग रही थी। हमारी समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाएं, ऐसी कौन सी जगह जाएं जहां पर जाकर हमारी जान बच जाए। और मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि जब शैतान पीछे पड़े हो तो हमें भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, वही आपको सारी मुसीबतों से निजात दिला सकते हैं। और फिर मैंने ही सुदेश साहब से बोला कि मेहंदी पठार में भोलेनाथ का जो मंदिर है वहां पर चलते हैं, वहीं हमारी जान बच सकती है। सुदेश साहब भी मेरी बात मान गए और फिर हम उस तरफ जाने लगे, पर हम मेहंदी पठार पहुंचे ही थे कि उन मुर्दों की सेना ने हमारी बाइक को चारों तरफ से घेर लिया। मेरे तो समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतने सारे मुर्दे सड़क पर कहां से आ गए थे, जैसे वो हमें ही वहां पर मारने के लिए प्रकट हुए हो। सुदेश साहब और मेरे पास उन मुर्दों से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। हम जितने मुर्दों से लड़ सकते थे लड़ गए, पर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और कमजोर भी, मैं कहाँ किसी मुर्दे के सामने ज्यादा देर टिक सकता था। सुदेश साहब अकेले ही सारे मुर्दों से लड़ने लगे और जब उन्होंने देखा कि मुर्दे मुझ पर हावी हो रहे हैं, मैं किसी भी वक्त अपने प्राण खो सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे अपनी जान बचाकर वहां से भागने का बोल दिया। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी, कहा कि इतना कहते ही बल्लू काका के कानों में सुदेश की आवाज गूंजने लग जाती है जो उस वक्त सुदेश ने उनसे कही थी। सुदेश की हमदर्दी भरी आवाज सुनाई देती है, बल्लू काका मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कई पाप किए हैं, रजनी जैसी सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारा है, एक वैश्या के साथ कई रातें गुजारी हैं, अपनी पत्नी को तन्हा रातों में अकेला छोड़ दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अमोदिता जैसी प्यारी बिटिया को जो पिता का प्यार मिलना चाहिए था वो प्यार भी मैं उसे नहीं दे पाया, बस पैसों के लालच में दिलीप जीजाजी के पीछे घूमता रहा। उनके कहने पर ना जाने कितने मासूमों पर अत्याचार किया है मैंने, पर अब उन सारे पापों का प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। मैं आपकी जान बचाकर उन पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप जाइए यहाँ से, अपनी जान बचाइए, इन मुर्दों से मैं निपटता हूँ, जाइए आप बल्लू काका जाइए। बल्लू काका की ये बात सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि सुदेश अपनी जान की परवाह ना करते हुए बल्लू काका की जान बचाएगा, पर यही दुनिया का दस्तूर है। इंसान जीते जी कई पाप करता है, पर जब उसकी जिंदगी का अंतिम वक्त चल रहा होता है तो वो उन सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता है जो उसने जीते जी किए थे, पर तब तक वो भूल चुका होता है कि अब काफी देर हो चुकी थी। जिंदगी उन पापों का प्रायश्चित करने का वक्त नहीं देती है, उसकी सजा आपको नर्क में ही मिलती है। पर सुदेश किस्मत वाला था, जिंदगी कभी कभी उन पापों का प्रायश्चित करने का हमें एक मौका और देती है, और वही मौका उस रात सुदेश को मिला था। बल्लू काका फिर बोल पड़ते हैं, मैंने सुदेश साहब को कई बार मना किया कि मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला, पर उन्होंने मुझे कसम दे दी और उनकी कसम के आगे मुझे हार मानना पड़ा, ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। पर एक मुर्दे के डंडे से वार करने के कारण मेरे सिर पर गहरी चोट लगी थी जिस कारण मैं अपने होश खो बैठा, पर तब भी मैं बेसुध भागते जा रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कहां पर जा रहा था, मैं बस भागे जा रहा था और भागते भागते कब मैं मंदिर की दहलीज पर पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे भोलेनाथ स्वयं मुझे वहां पर लेकर आए हो। मंदिर की दहलीज पर पहुंचकर ही मैं बेहोश हो गया। बल्लू काका अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहते हैं, अभिमन्यु बिटुआ जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने कार्तिक पुजारी थे, कार्तिक पुजारी ने ही मेरी जान बचाई थी और अब मैं यहां पर हूं आप सबके साथ। अभिमन्यु बल्लू काका से पलट कर कहता है, महादेव अपने भक्तों की जान बचा ही लेते हैं बल्लू काका, और उन्होंने आपकी जान भी बचा ही ली। अमोदिता को सुदेश की मौत का इतना ज्यादा गम हो गया था कि वो एकदम शोक में डूब गई थी और उस शोक में अब कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस जिंदा लाश की तरह वहां पर खड़ी हो गई थी, पर पलक उसके साथ ही थी जो उसे संभाल रही थी।
कोई कुछ कहता उससे पहले ही कायर रोते हुए कार्तिक पुजारी से बोल पड़ता है, आपने बल्लू काका को तो बचा लिया पुजारी जी, अब हमें भी बचा लीजिए। उस भक्षानर के अंश ने सब कुछ खत्म कर दिया पुजारी जी, सब खत्म हो गया। कार्तिक पुजारी कायर से पूछते हैं, यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ कायर, पहले तुम मुझे कुछ बताओगे? अगले पल कायर एक सांस में भी कार्तिक पुजारी को वो सब कुछ बता देता है जो भी उनके और तारा के साथ हुआ था। कायर की सारी बात सुनकर कार्तिक पुजारी भी कुछ घबराने लग गए थे, उनकी घबराहट उनके चेहरे पर अलग ही नजर आने लग गई थी। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ कायर से कहते हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम, उस भक्षानर के अंश ने तारा की दैवीय शक्तियां ले ली? कायर कार्तिक पुजारी की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ पुजारी जी, और तो और पता नहीं वो भक्षानर का अंश तारा और कामेश्वरी यक्षिणी को कहाँ लेकर चला गया है, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। कार्तिक पुजारी कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले ही वर्चस्विनी बोल पड़ती है, मेरी बच्ची को बचा लीजिए पुजारी जी, मेरा उसके सिवा कोई और नहीं है, वही मेरा सब कुछ है। कार्तिक पुजारी वर्चस्विनी को दिलासा देते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो बेटी, महादेव पर भरोसा रखो, वो कभी कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगे। अगले पल कार्तिक पुजारी ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहते हैं, उस भक्षानर के अंश ने इसी ग्रेवयार्ड कोठी में पनाह ली थी ना? कायर झट से बोल पड़ता है, हाँ पुजारी जी, उस भक्षानर के अंश ने जो किया है सब यहीं से किया है। कार्तिक पुजारी जी पलट कर कहते हैं, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर कार्तिक पुजारी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाने लग जाते हैं। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी से कहता है, अंदर वो भक्षानर नहीं है पुजारी जी, कायर ने बताया ना आपको, वो भक्षानर का अंश जा चुका है यहाँ से। कार्तिक पुजारी अभिमन्यु की बातों पर पलट कर कुछ नहीं कहते हैं, बस उसे गुस्से से घूरते रहते हैं जैसे वो अभिमन्यु से किसी बात से नाराज हो। अगले पल कार्तिक पुजारी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाते हैं। किसी के समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक पुजारी आखिर किस लिए ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गए थे, बाकी सब बाहर की ओर खड़े होकर उनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद जब कार्तिक पुजारी ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर आते हैं तो वो काफी घबराए हुए और डरे हुए नजर आते हैं। कार्तिक पुजारी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर निकलते ही हड़बड़ाहट के साथ सबसे बोल पड़ते हैं, तुम सब जल्दी चलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर अब एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। युग कार्तिक पुजारी से पलट कर कहता है, यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, पर क्यों पुजारी जी, यही तो मेरा घर, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो कहाँ पर रहेंगे? कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, ये तुम्हारा नहीं, उस भक्षानर के अंश का घर है, सालों से उसने यहीं पर पनाह ली है और अब ये ग्रेवयार्ड कोठी भी उसी की काली शक्तियों से लिप्त हो गई है, इसकी हर एक दीवार में उसकी काली शक्तियां समाहित हैं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, तुम सब मंदिर चलो भोलेनाथ की शरण में, वहीं पर तुम सब सुरक्षित रह पाओगे। कायर कार्तिक पुजारी की बात से सहमत होते हुए कहता है, पुजारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें मंदिर ही जाना चाहिए। वर्चस्विनी तुरंत बोल पड़ती है, और मेरी बेटी का क्या कायर, तुमने कहा था तुम लोग उसे ढूंढोगे और अब तुम अपनी बात से पलट रहे हो। कायर पलटकर को जवाब देने ही वाला था कि उसके हक में बिंदु बोल पड़ती है, कोई पलट नहीं रहा है वर्चस्विनी जी, सबको अपने वादे याद है, पर इस वक्त आप सब लोगों की हालत देखिए, हर कोई घायल है, उन मुर्दों की सेना से लड़ने के कारण सबको चोट आई है, और अगर इस चीज का जल्द से जल्द उपचार नहीं किया गया तो ये चोटें और गहरी हो सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। बिंदु की ये बात कहते ही वर्चस्विनी सब लोगों को देखने लग जाती है और वो नोटिस करती है कि हर किसी को चोट लगी थी, किसी के सिर पर, किसी के पैर पर, तो किसी के हाथ पर फिर भी वो स्वार्थी होते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिलती मैं चैन की सांस नहीं लेने वाली, मैं बिल्कुल आराम नहीं करने वाली। कछुआ भी वर्चस्विनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, पर इस वक्त वर्चु तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तुम ही जरा सोचो, अगर तुम ही ठीक नहीं होगी तो हम तारा को कैसे ढूंढ पाएंगे, और सिर्फ हमें तारा को ढूंढना नहीं है, उसे काले साए से बचाना भी है, और उसके लिए हमें उससे लड़ना होगा, और लड़ने के लिए हम सबका ठीक होना बहुत जरूरी है, इस वक्त सभी को इलाज की जरूरत है, वरना कोई उस काले साए से नहीं लड़ पाएगा। डायना को भी कछुए की बातें सही लगने लग जाती हैं और वो भी उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, कछुआ ठीक कह रहा है वर्चस्विनी जी, इस वक्त सभी को आराम की जरूरत है, और जरा आप ही सोचिए, हम में से किसी को भी नहीं पता कि वो काला साया तारा को लेकर कहां पर गया होगा, तो हम किस तरह उसे ढूंढेंगे, क्या बस यूं ही बिना किसी मंजिल के यहां से वहां भटकते रहेंगे, ऐसे तो हालात सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। वर्चस्विनी डायना को घूरते हुए कहती है, तुम तो अब ये बात बोलोगी ही ना डायना, तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल ही गया है ना। डायना ने अपने हाथ में एक अस्त्र पकड़ कर रखा हुआ था। वर्चस्विनी उसे एक अस्त्र की तरफ देखते हुए फिर डायना से बोल पड़ती है, तुम यहाँ पर डायन वंश के हीरे के लिए आई थी ना, देखो वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हारे हाथ में है। वर्चस्विनी यामिनी की तरफ देखते हुए कहती है, यामिनी तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति चाहिए थी ना,
देखो तुम्हें वो भी मिल गया है। अब तुम अभिशाप से आजाद हो, तुम अपने लोक वापस जा सकती हो। वर्चस्विनी युग की तरफ देखते हुए कहती है, युग तुम्हें यामिनी चाहिए थी ना, देखो वो भी तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी प्रेमिका। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, जिसको जो चाहिए था उसको तो वो मिल ही गया है ना, बस छीना तो मुझसे गया है मेरे जिगर के टुकड़े को। सबके अपने अपने मतलब पूरे हो गए हैं, अब तुम लोग क्यों मेरी मदद करोगे। युग वर्चस्विनी से कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं वर्चस्विनी जी, क्या हो गया है आपको? मैंने कहा ना आपसे कि हम तारा को ढूंढ लेंगे, माना आप उसकी माँ है, पर हमें भी उससे उतना ही ज्यादा प्यार है जितना आपको है। चटर्जी भी वर्चस्विनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, युग सही कह रहा है वर्चस्विनी मैम, हमने ये कब कहा कि हम तारा को नहीं ढूंढेंगे? हम तारा को ढूंढेंगे पर पूरी तैयारी के साथ, और अभी सबकी हालत खराब है, हम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें जो करना है बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे किए गए फैसले हमेशा गलत ही होते हैं, और अब हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, वरना अब गलती की एक ही सजा है, वो है मौत। कार्तिक पुजारी चटर्जी का साथ देते हुए कहते हैं, चटर्जी सही बोल रहा है वर्चस्विनी बेटी, इस वक्त चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, और ऐसे अंधकार में हमें महादेव की शरण में ही जाना चाहिए। तुम एक बार मेरे साथ महादेव की शरण में चलो। कहते हैं सब रास्ते बंद नजर आए तो हमें महादेव की शरण में ही जाना चाहिए, वो हमारे लिए सारे रास्ते खोल देते हैं। हो सकता है महादेव ही हमें कोई रास्ता दिखा दे तारा के पास पहुंचने का। वर्चस्विनी खामोशी रहती है, पर उसकी इस खामोशी में कहीं ना कहीं हाथी, जैसे कार्तिक पुजारी के कहने पर वो उनकी बात मान गई हो। युग अगले पल बोल पड़ता है, अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द मंदिर के लिए निकलना चाहिए। यामिनी युग से कहती है, युग बाबू आप सबको लेकर मंदिर जाइए, मैं कुछ देर बाद वहीं पर मिलूंगी आपसे। युग अपनी दोनों भवें उठाते हुए हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, कुछ देर बाद वहीं मिलोगी से तुम्हारा क्या मतलब है यामिनी, तुम हमारे साथ नहीं चल रही क्या? यामिनी कहती है, नहीं युग बाबू मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मुझे अभी कहीं और जाना है। युग झट से पलट कर पूछता है, कहीं और जाना है पर कहाँ यामिनी? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, एक वादा पूरा करने युग बाबू जो मैंने बहुत पहले किया था। युग तुरंत पलट कर पूछता है, वादा कैसा वादा यामिनी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।